आप देख रहे हैं 7 AM। अचानक भाजपा द्वारा पीडीपी से गठबंधन तोड़कर कश्मीर में भूचाल आने की संभावना को पैदा करने का काम किया गया है। महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद केंद्र को ताकीद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में बाहुबल दिखाने की आवश्यकता नहीं है, जम्मू कश्मीर में दुश्मन नहीं बसते। राजनीति की जानकारों की माने तो जम्मू कश्मीर सरकार को गिराना भाजपा का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। साथ ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान अपने नापाक इरादों को हवा दे सकता है। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और भारत की लड़ाई स्वतंत्रता के समय की है। हम आपको बता दें कि 1947 में भारत और पाकिस्तान को अंग्रेजों से आज़ादी मिली, तब भारतीय स्वतंत्रता एक्ट 1947 के अनुसार तमाम सियासतों को यह फैसला लेने की सुविधा दी गई कि वे भारत के साथ रहना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान से जुड़ना चाहते हैं। उस समय जम्मू कश्मीर देश की सबसे बड़ी सियासत हुआ करती थी। जम्मू कश्मीर सियासत पर महाराजा हरि सिंह शासन किया करते थे। पाकिस्तान की आज़ादी के हिसाब से पाकिस्तान को पूरा विश्वास था कि कश्मीर सियासत पाकिस्तान के साथ आएगी, लेकिन अमन चैन को ध्यान में रखते हुए राजा हरि सिंह सियासत को ना पाकिस्तान में और ना ही भारत में मिलाना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने स्वतंत्र रहने का फैसला लिया। महाराजा हरि सिंह से तिरस्कृत होने के बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को हथियाने का दूसरा हथकंडा अपनाया और पाकिस्तान सेना को पश्तून आक्रमणकारियों के भेज में जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने को भेज दिया और जम्मू कश्मीर सल्तनत में आकार मच गई। चारों तरफ खून खराबा हो रहा था। मजबूरन महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और यहीं से भारत और पाकिस्तान के युद्ध की रूपरेखा रखी गई। पाकिस्तान के आक्रमणकारियों को जम्मू कश्मीर से खदेड़ने के बदले 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत से समझौता कर लिया। उन्होंने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कर दिया। फिर क्या था, पाकिस्तान ने भारत को कट्टर दुश्मन मान लिया। भारत की पहल पर 1 जनवरी 1947 को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के सामने यह मुद्दा रखा। सुरक्षा परिषद ने 21 अप्रैल 1948 को प्रस्ताव पारित कर दोनों देशों को संघर्ष विराम के लिए कहा। साथ ही पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर से शीघ्र पीछे हटने को कहा गया। मामले का निपटारा न होते देख भारत की संविधान सभा ने 17 अक्टूबर 1949 को धारा 370 लगाकर जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया। फिर क्या था, पाकिस्तान के मंसूबों को हवा मिल गई और पाकिस्तान से पश्तून गिरोह में आए आक्रमणकारियों ने कश्मीर में ही ठिकाना बना लिया। पाकिस्तान अपने नापाक इरादों को इन्हीं के सारे अंजाम देने का काम करता रहा है, जबकि भारत से कई बार पाकिस्तान को मुंह दिखानी पड़ी। 2014 में भाजपा ने देश की जनता को भरोसा दिलाया था कि वह कश्मीर से धारा 370 हटाने का काम करेगी और जनता ने भाजपा पर भरोसा किया और भाजपा ने कश्मीर से आतंकवाद और पत्थरबाजों पर लगाम लगाने जैसे मुद्दों पर कश्मीर में अपनी धुर विरोधी पार्टी पीडीपी से गठबंधन कर लिया। 3 साल बाद अचानक पीडीपी से समर्थन वापस लेकर धारा 370 पत्थरबाजों को खत्म करने के नाम पर फिर एक बार भाजपा आम चुनाव 2019 में धारती दिखाई देगी। गीतम सिंह के साथ देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज।